अच्छा जी, इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने किया था साइन अप, कि हमने अकाउंट एक क्रिएट करवाया था यूजर का, उसने जो भी इनपुट्स के अंदर डेटा दिया था हमने वेब ब्राउजर के अंदर लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव करवाया था। तो आज हम लोकल स्टोरेज के थ्रू ही यूजर को लॉगिन भी करवाएंगे, या जिस ईमेल और पासवर्ड से बंदा साइन अप हुआ था या उसने वो चीजें दी थी साइन अप के वक्त, उसी से वो लॉगिन करेगा। तो अब यहां से लॉग इन करेंगे, अगर आपने ईमेल और पासवर्ड गलत दिया तो यही आपको बताया जाएगा कि आपका ईमेल और पासवर्ड गलत है। अगर आपने ईमेल और पासवर्ड सही से दे दिया तो आपको कहाँ भेजा जाएगा, होम पेज पे, और आपका जो भी नाम या ईमेल होगा आप उसके थ्रू वेलकम करवा लेंगे। सपोज हमने हसन का जो है अकाउंट क्रिएट किया था तो हम वेलकम हसन कर देंगे, सही है? यानी ये वाला मैसेज भी हम यूजर को दिखाएंगे विथ इट्स नेम। ठीक है जी, आते हैं कोडिंग की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले तो यहाँ पे H1 एक डाल देते हैं, HTML5। ये हमारा क्या होगा, होम पेज होगा, वेलकम। फिर किस तरह से वेलकम करवाएंगे उस पर बात करते हैं। तो मेरे पास एक है लॉगिन का पेज, दूसरा है होम पेज, सही है बेटा? लॉगिन से यूजर लॉगिन करेगा, लॉगिन अगर इसने सक्सेसफुली कर लिया यानी ईमेल और पासवर्ड इसने वो दिए जो हमने लोकल स्टोरेज में सेव करके रखे हैं। सपोज अगर मैं अभी इसको चलाऊं तो आप देखेंगे कि ये हमारा एक लॉगिन पैनल है जिसके पास हमने ईमेल और पासवर्ड के इनपुट दिए हुए हैं, और एक नीचे बटन है जिस पे एक क्लिक करेगा तो फिर हम इसको कंफर्म करेंगे कि आपका ईमेल और पासवर्ड सही है, तो आप होम पेज पे चले जाएं वरना आप यहीं रहें, सही? अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखा दूं कि बेटा एप्लीकेशन के अंदर जाएं, यहां पे आपने जब अकाउंट क्रिएट करवाया था तो आपने ईमेल और पासवर्ड किस तरह से किया था, hassan@gmail.com, और पासवर्ड क्या रखा था, 123। अगर यूजर ने ये दिया तभी यूजर हमारा होम पेज पे जाएगा वरना नहीं जाएगा। और जब हम वेलकम पेज के ऊपर जाएंगे तो इस की से हम उसको कॉल कर लेंगे, किसको, इसका जो नाम है यूजर का यानी नेम वन। कौन सा क्लियर है बेटा? आपको पता है लोकल स्टोरेज के अंदर कीज के थ्रू इन वैल्यूज को कॉल किया जाता है। अच्छा जी, यहां आते हैं। अब तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इस बटन की क्लिक पे चले, यानी वो कोडिंग तब चले जब आप बटन पे क्लिक करें। तो मैं यहां पे आता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं लॉगिन, और उसके बाद यहां पे आके आपने वो कोडिंग कर लेनी। अब सबसे पहले तो इनपुट्स को, डेटा जो आ रहा है जो ईमेल और पासवर्ड इनपुट के अंदर आएगी वो ले। तो वेरिएबल ए या वेरिएबल ईमेल, यहां से आके आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, के जिस यूजर की आईडी ये है या जिस इनपुट की आईडी ईमेल है उससे वैल्यू लो, और किसको दे दो, एक सिंपल से वेरिएबल को दे दो जिसका नाम भी ईमेल, सही है? यानी इनपुट से पहले वैल्यू लेनी है और वेरिएबल को दे देनी है, ईमेल के इनपुट से भी और पासवर्ड के इनपुट से भी वो वैल्यू ले लेनी है। ईमेल पासवर्ड, ठीक है बेटा। अब हमने एचटीएमएल के इनपुट से डेटा लिया है और किसको दे दिया, वेरिएबल्स को दे दिया। अब मैं चाहता हूं यहां पे, चलो हमने वेरिएबल से तो ले लिया ना डेटा, लेकिन अब हमारा लोकल स्टोरेज का भी डेटा लाना है। एक डेटा जो इनपुट से आ रहा है, एक डेटा जो हमारा स्टोर किया हुआ है, दोनों को कंपेयर करना है ना। तो पहले इनपुट से डेटा लिया, अब हमें किससे लेना है, लोकल स्टोरेज से आइटम गेट करने, यानी hassan@gmail.com, और उसका पासवर्ड कहां पड़ा है, वेब ब्राउजर के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर पड़ा है ना, तो उन वैल्यूज को भी लेके अपने पास रखना है, फिर दोनों को कंपेयर करके फिर डिसाइड करना है कि वैल्यू सही है या गलत है, सही है बेटा? तो इनपुट से तो डेटा ले लिया हमने, अब किससे लेना है, लोकल स्टोरेज से। यहां आते हैं, वेरिएबल बना देते हैं, इसका नाम नेम वन ही रहने देते हैं, और अब इसको कहेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। आपको पता है सेट आइटम वैल्यू देने के लिए, गेट आइटम वैल्यू लेने के लिए। अब नेम हमारा जो रखा था हमने वो था email1, क्या रखा था बेटा, email1। यहां पे आके देखो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट,
एप्लीकेशंस के अंदर जाएं, लोकल स्टोरेज, क्या नाम है बेटा, ईमेल 1, है ना, ईमेल 1 से आपने क्या करना है, डेटा लेना है और अपने ही जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में वो डेटा रख देना है। तो लोकल स्टोरेज से हमने आइटम वो लिया या वो वैल्यू ली जो ईमेल है और किसको दे दी, इसको। अब नेम 1 रखें या ईमेल 1 रखें, बात एक ही है। इसी तरह से पासवर्ड वाली फील्ड का नाम क्या था, पास 1, इससे भी डेटा लो और किस वेरिएबल को दो, पास 1 को। अब इन्हीं को कंपेयर करवाएंगे, अगर ये सही होंगे, यानी यूजर ने जो इनपुट्स के अंदर दिया वो ईमेल और पासवर्ड अगर बराबर है किसके, जो लोकल स्टोरेज के वेरिएबल है। सही है बेटा, समझ ले, बीच में आपका कोड है, डेटा एक आ रहा है इनपुट से, एक डेटा पड़ा है कहां पे, वेब ब्राउजर में, उनको बस कंपेयर करके ही हमारा कोड डिसाइड कर रहा है कि वैल्यू सही है या गलत है। इफ ईमेल इज इक्वल टू किसके, ईमेल 1 के, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो इनपुट से डेटा आ रहा है अगर वो बराबर है लोकल स्टोरेज के, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्या करो, एक और चीज भी चेक करो, ईमेल तो उसने चेक कर ली, एंड पासवर्ड भी तो सही होना चाहिए ना, दोनों ही चीजें सही होना चाहिए। तो पास इज इक्वल टू इक्वल अगर है पास 1 के, तो क्या करो, फिर इसको अलाउ करो, कहां अलाउ करो बेटा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस, इसको कहां भेजना है, home.html के पास, यानी अगर ईमेल और पासवर्ड इक्वल है तो कहां भेजो, होम पेज पे, और एल्स में जाके अगर ईमेल और पासवर्ड गलत है तो अलर्ट करवा दो कि आपका ईमेल एंड पास इज इन करेक्ट। कौन सा क्लियर हो गया बेटा, सिंपल सी लॉजिक है, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है या कोई क्रिटिकल साइंस नहीं है, आपको सिंपल से ये क्या कर देनी है, चीजें कंपेयर करके अलाउ करनी है नहीं करनी, दैट्स इट। अब देख लेते हैं कि हमारे पास लॉग इन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो रिफ्रेश आपका ऑटोमेटिक होता रहता है। यहाँ आते हैं, गलत वैल्यू देते हैं, ali@gmail.com, पासवर्ड देते हैं 123, ईमेल गलत है, पासवर्ड सही है ना, फिर भी क्लिक करते हैं, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि हमने फंक्शन बना तो लिया लेकिन उसको कॉल नहीं किया। तो आप यहां आएंगे ऑन क्लिक, कि जब क्लिक करें बटन पे तो ये पूरा कोड चला देना, सही है बेटा, सेव कर दिया। यहां आते हैं, अब फिर से ईमेल गलत, पासवर्ड हम सही दे देते हैं और फिर क्लिक करते हैं, तो आपको क्या बोला जा रहा है, ईमेल और पासवर्ड गलत है, ऐसे ही बेटा। अब अगर ईमेल और पासवर्ड सही देते हैं तो आपको ये कहां भेज देगा, आपको ये भेज देगा होम पेज पे, और आप आ चुके, आ गए आप होम पेज पे, अब कहां पे, हम home.html के पास, लेकिन मैं चाहता हूं वेलकम ही ना दिखाए, मुझे ये दिखाए कि वेलकम कौन सा यूजर, तो आप क्या करेंगे, यहां पे आके जावास्क्रिप्ट की कोडिंग ऑन करेंगे और क्लोज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज। अब हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि डेटा डिस्प्ले करना है वेब ब्राउजर के ऊपर, है ना, इसके अंदर हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज से एक आइटम गेट करो जिसका नाम क्या है, ईमेल 1 है, ईमेल ही दिखा देते हैं, वेलकम ईमेल, सही है, सेव करते हैं, यहां आते हैं, तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, कौन सा क्लियर हो गया, यही तो होता है आपके रियल सिनेरियोस के अंदर, यही तो होती है ना चीजें, जो आप साइन अप करते हो वही तो इस्तेमाल होती है, लॉग इन पे, वेलकम पे, हर जगह, ठीक। अगर आप बंदे का नाम दिखाना चाहते हैं, नाम दिखा दे, यहां पे आके कहें ईमेल 1, तो सॉरी नेम 1, अगेन वी आर प्रोवाइडिंग सेम डेटा, ये वेलकम हसन आ रहा है, आपने पहले हसन दे दिया था ना जब साइन अप करवाया था, हमने फिर से खुद से मैनुअल तो नहीं दिया ना, अब डेटा डायनामिकली आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। इस तरह से लोकल स्टोरेज आपका काम करता है, 10 MB का डेटा आपका सेव होता है, अगर क्रोम की बात की जाए, डिफरेंट वेब ब्राउजर्स के ऊपर इसका जो स्पेस है वेरी होता रहता है, लेकिन इसका डेटा हमारा 100% सेव रहता है जब तक आप मैन्युअली जाके डिलीट नहीं करते। तो ये था लॉग इन विथ लोकल स्टोरेज इन जावास्क्रिप्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ और पढ़ना।